हो टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा कि फिर जुड़ ना पाया। हो लूटा लूटा किसने उसको ऐसे लूटा कि फिर उड़ ना पाया। गिरता हुआ वो आसमां से आकर गिरा जमीन पर, ख्वाबों में फिर भी बादल ही थे वो कहता रहा मगर, के अल्लाह के बंदे हंस दे अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे जो भी हो कल फिर आएगा। अल्लाह के बंदे हंस दे अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे जो भी हो कल फिर आएगा। धन्यवाद। मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बाजू लगदा जी, मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बाजू लगदा जी, तू की जाने प्यार मेरा मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तू ओ जान मेरी, मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बाजू लगदा जी। मेरे दिल विच रह के मेरे दिल दा हाल न जाने गए, मेरे दिल विच रह के मेरे दिल दा हाल न जाने, जीना मेरा है मरना मेरा नाल तेरे सी, कर एतबार मेरा मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तू ओ जान मेरी, मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बाजू लगदा जी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और मैं हूं रोहित डोगरा। आज मैं आप लोगों के लिए एक इंटरटेनिंग प्रोग्राम लेके आया हूँ, जिस तरह से हम आप लोगों को अपडेट भी कर रहे हैं रोज़, कहीं भी आप देख रहे हैं मीडिया चैनल पे, आप चाहे किसी भी पोर्टल चैनल पे भी देख रहे हैं, तो आपको हर जगह कोरोना वायरस की अपडेट ही दे रहे हैं। और अपडेट जो कोरोना वायरस का आ रहा है, तो लगातार कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक डर भी बन गया है, एक डिप्रेशन में भी कुछ लोग चले गए हैं, तो उन सभी के लिए आज एक इंटरटेनिंग प्रोग्राम लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। और आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं, हमको एंटरटेन करने के लिए मौजूद हैं जमालदीन और अंकुश कुमार। जमालदीन के बारे में मैं आप लोगों को बता दूँ, जे आवाज़ पंजाब दी में हमारे जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट करके आए हैं, काफ़ी अच्छा वहाँ पर भी इन्होंने गाया है। और अंकुश की बात करूँ तो अंकुश भी लगातार जो है अपनी प्रोडक्शन के लिए भी काम कर रहे हैं और लगातार काफ़ी सारे सॉन्ग्स भी इन्होंने रिलीज़ किए हैं और काफ़ी अच्छे अच्छे इन्होंने गाने गाए हैं। आज इन दोनों से हम बात करेंगे, आपको इंटरटेनमेंट करने की कोशिश करेंगे, तो आप दोनों का सबसे पहले तो स्वागत है। सबसे पहले जमालदीन मैं आपसे बात करूँगा, शुरुआत गाने से करते हैं फिर आगे बातें करते हैं मैं सोच रहा हूँ। तो जो भी आपने खुद एक आपने जो जब मेरी बात हो रही थी आपसे, तो आप कह रहे थे हमने खुद भी कुछ गाने लिखे हुए हैं, तो सबसे पहले मैं आप दोनों ने जो गाने खुद लिखे हुए हैं खुद कंपोज किए हुए हैं वही सबसे पहले सुनेंगे। तो जमालदीन सबसे पहले आप बताइए कौन सा गाना आप सुनाना चाहते हैं हमारे दर्शकों को। जी सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया हमें यहाँ पे पढ़ने के लिए। और जो हमने पहला प्रोजेक्ट किया था वो सॉन्ग का नाम है मेरा गुजारा, सो मैं उसी की दो लाइनें आपको सुनाना हूँ। दिल दिया सजना रब ही जानदा, जिने कदे लाइया ना ओ की पछाणदा। ओ दिल दिया सजना रब ही जानदा, जिने कदे लाइया ना की पछाणदा। दिल टुटिया दा की करिए, दिल टुटिया दा की करिए, ओ किनू लभिए सहारा है। तेरा ते होरा नाल सर जो,
तेरा ते होरा नाल सर जो मेरा तू यूं गुजारा है सोने आवे। थैंक यू जी। जमाल काफ़ी अच्छा आप गाते हैं, काफ़ी अच्छी आवाज़ है। आपके जो रियलिटी शो का जो सफ़र है उसके बारे में भी हम जानेंगे, पहले अंकुश का भी गाना हम सुन लें। तो अंकुश कौन सा गाना आप सुनाना चाहते हैं, कौन सा गाना आपने पहले जो है वो रिलीज़ कर किया था अपना? सबसे पहले धन्यवाद सर और जेके डायरी न्यूज़ का सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा कि हमें मौका दिया इस इंटरव्यू के लिए। तो जैसा कि सर आप बोल रहे हैं कि कौन सा गाना, तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए तो मैं एक डोगरी गाने से शुरुआत करूँगा जो कि रिसेंटली हमने रिलीज़ किया था। और कुछ एक बात मैं कहना चाहूँगा, अस डोगरे आं ते डोगरी प्रमोट करना साढ़ा बनता भी है। बिल्कुल सर, क्योंकि जेहड़े साढ़े अजकल दा जेहड़ा यूथ है ना वो कुदे ना कुदे डोगरी पिछे छड्डा दे, मतलब डोगरी बड़े घट बोलते हैं। तो चलो थोड़ी जेहड़ी गाने की शुरुआत करने आं, दर्शकें एंटरटेन करने आं डोगरी गाने कन्नै। गाना शुरू करने आं, गाने दा नाम है साग ढोडा, सीधा दर्शकें गी सुनाने आं। हो हो आऊं जागा नौकरी ते तू कर सांभियां, पकायां टोडे लायां तड़का सागियां। आऊं जागा नौकरी ते तू कर सांभियां, पकायां टोडे लायां तड़का सागियां। तेरे हत्थें कन्नै खाई लैना आयो, असें ठंडे पाड़ें दिल लाई लैना यो। हो इक कोठू पाई लैना यो, असें ठंडे पाड़ें दिल लाई लैना यो। धन्यवाद सर। अंकुश काफ़ी अच्छी आवाज़ है, आप दोनों की काफ़ी अच्छी आवाज़ है, सीधा एक दिल में घर कर रही है। तो आगे भी काफ़ी सारी बातें करेंगे। तो जमालदीन मैं आपसे पहले पूछना चाहूँगा, जो आपका रियलिटी शो का सफ़र था वो किस तरह से शुरू हुआ, क्या क्या वहाँ से सीखने को मिला, पूरी आप अपनी जर्नी बताइए। ये जो शो है ये बहुत ही अच्छा शो था और इसको मैंने जब मैंने पार्टिसिपेट किया था 2016 में, 2016 में, और इससे पहले मैं गाता था लेकिन मैं बेसिकल बनी बसोली से हूँ, मैं बता दूँ आप सभी को, दर्शकों को बता देता हूँ। और मैं बचपन से गाता था, मैं जब कोई 4-5 साल का था मैं गाता था, लेकिन कोई गायन देने वाला नहीं था। तो ऐसे मैं गाता रहा गाता रहा गाता रहा और एक दिन मेरी अंकुश जी के साथ मेरी मुलाकात हुई, तो उन्होंने मेरी बहुत सपोर्ट की है, मैं उनका बहुत शुक्रिया करता हूँ। और हम साथ में काम कर रहे हैं ये भी बता दूँ सबको मैं। और मैंने जो पार्टिसिपेट किया था शो 2016 में किया था, जो मेरी म्यूज़िक की जो सही शुरुआत हुई थी 2016 में। तो उसके बाद मैंने जो ये जो ऑडिशन कंप्लीट किया था मैंने, अमृतसर में हुआ था मेरा। उसके बाद फिर मैं दिल्ली में, फिर आगे मेरे जो राउंड चले थे फाइनल टॉप 8 में, तो उसके बाद फिर मैं बस उसके बाद फिर जो ये अभी गाना आया था मेरा मेरा गुजारा, उसे फिर अभी एक गाना और आया है तेरी दूरियाँ, मतलब आगे भी करते रहेंगे। अच्छा अच्छा जमाल एक बात और पूछना चाहूँगा, जिस तरह से ज़िंदगी में अगर हमें आगे बढ़ना है तो जब तक हमारे माँ बाप का सपोर्ट ना हो तो हम ज़िंदगी में आगे कोई मंजिल हासिल ही नहीं कर सकते, मेरा ये मानना है। तो पेरेंट्स का किस तरह का सपोर्ट रहता है? सर पेरेंट्स का इस तरह का सपोर्ट है, वैसे तो सभी करते हैं सपोर्ट, लेकिन हमारी जो मतलब जिस तरह का हमें सपोर्ट चाहिए था उस तरह का नहीं मिला। और हमारे जो हम बैकग्राउंड बैकवर्ड एरिया से है ना, तो हमारे जो पेरेंट्स हैं तो वो मतलब जिस तरह का हमें सपोर्ट चाहिए था उस तरह का नहीं मिला हमें, है ना। तो मतलब ऐसे मेरे जैसे फ्रेंड सर्कल में अंकुश जी आगे और भी आगे बहुत सारे, उन्होंने सपोर्ट किया मुझे आगे दिया, लेकिन वैसे सपोर्ट करते हैं फैमिली सारे। जमाल और भी बातें करेंगे और गाने भी आपसे सुनेंगे। तो अंकुश जी अब आपसे भी मैं पूछना चाहूँगा, आपकी जो सिंगिंग की जर्नी है वो किस तरह से शुरू हुई, कब से आपने गाना शुरू किया था? सर सिंगिंग एक मेरा बचपन से शौक ही था। अगर उसकी शुरुआत की बात करूँ तो सर स्कूल टाइम से ही मतलब उसका एहसास हुआ कि मैं गा सकता हूँ। मैं स्कूल टाइम में कभी कोई छोटे मोटे प्रोग्राम होते हैं तो उसमें एक दो बार जब गाया तो रिस्पांस मिला, मतलब कि अपने ही दोस्तों से और स्कूल के टीचरों से, बस स्कूल से ही शुरुआत हुई है सर। अंकुश मैं एक बात पूछना चाहूँगा आपसे, जिस तरह से एक होता है ना कि कुछ भी अपनी मंजिल हासिल करने के लिए पेरेंट्स का सपोर्ट भी काफ़ी ज़रूरी है, तो पेरेंट्स का सपोर्ट आपको अच्छे से रहता है? जी सर, पेरेंट्स का सपोर्ट्स की बिना सपोर्ट की
बिना बंदा चल ही नहीं सकता। पेरेंट्स की मतलब कि अपने माता पिता की सपोर्ट्स, अपने जो बड़े हैं उनकी सपोर्ट चाहिए ही चाहिए, अपने भाई बंधु जो भी अपने दोस्त हैं सबकी सपोर्ट, अच्छे सपोर्ट रहती है घर से, सपोर्ट तो रहती है। अगर कहीं थोड़ी सी झिझक होती है, मतलब उनको लगता है कि ये सही ट्रैक पर नहीं जा रहा है, तो वो मना भी करते हैं। लेकिन ये एक आर्टिस्ट को ये बात समझनी चाहिए कि अगर वो आगे जा रहा है तो उसको ये दिक्कतें आएंगी, उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे सपोर्ट नहीं है और मैं आगे नहीं आ सकता। उसे ये चीज़ समझनी चाहिए ये मेरी दिक्कतें नहीं है, ये मेरे आगे बढ़ने की जो स्टेप है जिसको कदम कह सकते हैं, और जहाँ ठोकरें हैं मतलब कि ये ठोकरें मुझे खानी पड़ेंगी, तभी तो मुझे उस चीज़ का पता चलेगा उस लेवल का कि वो वहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे ये सब मैंने ये सब पड़ाव मैंने पार करके मैं आगे आया हूँ। अच्छा अंकुश, अपनी ज़िंदगी में सबसे पहला गाना कौन सा गाया था, वो गाना हम सुनना चाहेंगे। सर जिंदगी का पहला गाना तो वो अब मैं हाँ सुना सकता हूँ, मैं बेवफा गाना था सर, पंजाबी गाना था, तो मैं सुना देता हूँ। गल सुन मेरी तू मुटियारे की समझे अपने आप नू, मेरे मगर तू की कर दी, यह गल बस तू ही जानदी, मैनू सफाइयां पेश न कर, रब कोलों थोड़ा जेहा डर, सिख जाके प्यार करने दा वल, झूठे संग साडे इक इक पल, बेवफा 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 निकली है तू नी, झूठा प्यार झूठा प्यार झूठा प्यार कीता है तू, बेवफा 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 निकली है तू नी, झूठा प्यार झूठा प्यार झूठा प्यार कीता है तू। ये सॉन्ग था सर स्टार्टिंग, काफ़ी अच्छे। और भी गाने आपसे हाँ। सुनेंगे। अच्छा जमाल, एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जब आपने रियलिटी शो के लिए आप वहाँ पर गए थे तो काफ़ी बड़े बड़े कलाकारों से भी आप मिले, तो उनसे कुछ सीखने को मिला, क्या वो ऐसी चीज़ थी जो आपने उनसे सीखी? जी उस शो में तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि म्यूज़िक में छोटी छोटी बारीकियाँ होती हैं, है ना, तो वो मुझे सीखने को मिला। और बहुत और भी बहुत कुछ था, मतलब बताना चाहूँ तो बहुत लंबी हिस्ट्री है, तो मैं मतलब बहुत ऐसी छोटी बारीकी होती है म्यूज़िक में, तो वो मुझे सीखने को मिली वहाँ पे, मतलब और भी जी जी। अच्छा जमाल, कुछ बॉलीवुड सुनना चाहेंगे, कोई बॉलीवुड सॉन्ग, कोई भी जो भी आपको अच्छा लगे? जी मैं तो वैसे ऑल टाइप्स गाता हूँ, जो मेरे जॉनर में ज़्यादा पंजाबी में गाता हूँ, वैसे सभी गाता हूँ ऑल टाइप्स सॉन्ग ना, तो मैं आपको बॉलीवुड सुना, सारे सुनेंगे हम, हिंदी में पंजाबी में सारे जी बिल्कुल। सो मैं उस्ताद अनसफ अली खान साहब का, जो उनको जिनको मैं आइडल मानता हूँ, मैं क्या पूरे जितने भी म्यूज़िक इंडस्ट्री से भी मानते हैं, तो उन्हीं में से एक छोटा सा मैं भी हूँ जो उनको मानता हूँ, तो उन्हीं का एक गाना है राहत अली खान का, मैं तेनु समझावांगी। सो मैं उसकी लाइनें आपको सुनाऊँगा। मैं तेनू समझावां कि ना तेरे बाजू लगदा जी, मैं तेनू समझावां कि ना तेरे बाजू लगदा जी, तू की जाने प्यार मेरा मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तू यो जान मेरी, मैं तेनू समझावां कि ना तेरे बाजू लगदा जी, मेरे दिल विच रह के मेरे दिल दा हाल न जाने गए, मेरे दिल विच रह के मेरे दिल दा हाल न जाने, जीना मेरा है मरना मेरा नाल तेरे सी, कर एतबार मेरा मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तू यो जान मेरी, मैं तेनू समझावां कि ना तेरे बाजू लगदा जी। जमाल काफ़ी अच्छी आवाज़ आपकी। अच्छा जमाल, एक बात मैं पूछना चाहूँगा, मैं अगर किसी भी आर्टिस्ट से मिलता हूँ तो उनका एक
ये सवाल ज़रूर रहता है कि गवर्नमेंट की तरफ से जहाँ पर जम्मू कश्मीर में कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, उनकी तरफ से कोई हेल्प नहीं की जाती, इसको लेके आपका क्या आपकी सोच है? सर मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हमारे जम्मू कश्मीर उनको जो आर्टिस्ट हैं, चाहे वे कोई भी है, सिंगर है, म्यूज़िकल या डांसर कोई भी हो, उनको सपोर्ट करना चाहिए और उनको सपोर्ट करना चाहिए कि हमारे जम्मू कश्मीर से कोई आगे बढ़ रहा है तो उसको सपोर्ट करना चाहिए, चाहे वो कोई फील्ड का बंदा हो। अच्छा जमाल, आप गाने लिखते भी हैं तो एक होता है ना, एक आर्टिस्ट का जो लिखावट होती है वो कहीं ना कहीं से ऑब्जर्व करता है, वो फिर वो लिखावट होती है, तो कितना आपने ऑब्जर्व किया है, किस तरह से आप गाने लिखते हैं? मैं एक बात बता देता हूँ, देखो गाना लिखना तो चलो हमारी बस की बात नहीं है, ये तो चलो थोड़ा बहुत ऊपर वाले ने थोड़ा बख्शा है। देखो जी मैं बताना चाहूँगा कि देखो गाना तो वही लिखता है जो शायर हो या फिर कोई अच्छा जिसका दिल टूटा हो, एक बयान कर, तो वैसे भी उनमें से थोड़ा सा मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ था। बहुत सारे कहते हैं, कमेंट्स में भी आते हैं जी आप सैड सॉन्ग क्यों गाते हो ज़्यादा, मैं वैसे ज़्यादा वही गाता हूँ ना, तो क्या रीज़न क्या है उसका? मैंने बोला सर रीज़न तो किसी साथ बता नहीं सकते, तो मैं वो रीज़न एक गाने के ज़रिए लोगों को मैं पेश करता हूँ, प्रेजेंट करता हूँ। जमाल और भी हम आपसे बात करेंगे, अंकुश आप पूरा जो भी आपका जो भी प्रोड्यूसर हो, आप प्रोड्यूस करते हो सारा जो भी जिस तरह से आपका काम रहता है, वो क्या पूरा आपका काम रहता है, किस तरह से आप पूरा जो वर्क है उसको पूरा देखते हो, उसको पूरे गाने को रिलीज़ करते हो, किस तरह से पूरा वो काम रहता है? सर ये काम अभी तो चलो हम ऐसे, जैसे आपने प्रोड्यूसर बोला, प्रोड्यूसर एक शब्द काफ़ी बड़ा शब्द है सर, लेकिन आज अगर इस शब्द को अपने साथ लगा के चलेंगे तो शायद वो मुकाम मिलेगा, मिल सकता है, तो वो इस नाम पे काफ़ी फीलिंग है इस जो प्रोड्यूसर नाम है। प्रोड्यूसर सर हमें क्या करना पड़ता है कि स्टार्टिंग में हमें पहले हायरिंग करनी पड़ती है कि कौन सा सॉन्ग निकाला जाए, उस सिंगर कौन सा सिंगर हायर करना है, कौन सिंगर इस गाने को बढ़िया से गा सकता है, पहले लिरिक्स आते हैं, फिर सिंगर देखना पड़ता है कि ये गाना इस सिंगर को गाना पड़ता है, मतलब ये गाए तो अच्छा लगेगा, उसके बाद फिर उसका म्यूज़िक तैयार करवाना है, मतलब करना तो टीम को ही पड़ता है ना सारा काम, अब टीम में म्यूज़िक बनाने वाला कोई और होगा, ठीक है, जो म्यूज़िक बनाएगा उसके हिसाब से अगर वो गाना अच्छा बनता है, मतलब कि ऑडियो ट्रैक अच्छा बनता है, फिर वीडियो पे काम चलता है, ठीक है, उसके लिए फिर हमें देखना पड़ता है कि वीडियो कहाँ से करवानी है, किससे करवानी है, कौन बेस्ट क्वालिटी, कौन इस तरीके की क्वालिटी दे सकता है इस गाने के लिए, हाँ, फिर वो वीडियो बनानी पड़ती है, वीडियो के बाद फिर उसका आगे का सिस्टम, मैक्सिमम सभी ऐसे ही कर रहे हैं लेकिन ऐसा ही काम चलता है सर। अच्छा कुछ कोई बॉलीवुड सॉन्ग हो जाए जो काफ़ी आपके दिल के करीब हो, कोई भी अच्छा सा कुछ हमारे दर्शकों के लिए? बॉलीवुड मैं हाँ हिंदी गाना सुना सकता हूँ मैं, हाँ वो गाना था, मैं काफ़ी देर पहले भी गाया करता था, टूटा टूटा एक परिंदा, कैलाश खैर सर का था वो गाना, हो टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा कि फिर जुड़ ना पाया, हो लूटा लूटा किसने उसको ऐसे लूटा कि फिर उड़ ना पाया, गिरता हुआ वो आसमां से आकर गिरा जमीन पर, ख्वाबों में फिर भी बादल ही थे वो कहता रहा मगर, के अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कल फिर आएगा, अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कल फिर आएगा। धन्यवाद सर, कुछ काफ़ी अच्छी आवाज़ है और काफ़ी मज़ा आ रहा है, हमारे दर्शकों को भी काफ़ी मज़ा आ रहा होगा। जमाल आपके पास मैं फिर से आऊँगा, आपसे मैं एक बात पूछना चाहूँगा कि जमाल दीन का सपना क्या है, ज़िंदगी में क्या सोचा हुआ है जमाल ने कि किस मंजिल को हासिल करना है? सर देखो मंजिल तो हर एक आर्टिस्ट की होती है, है ना, तो मेरी भी एक मंजिल के मैं एक म्यूज़िक लाइन में थोड़ा आगे बढ़ना चाहता हूँ ताकि मुझे पूरी दुनिया जान सके, है ना, और मैं अपने जम्मू कश्मीर का नाम रोशन कर सकूं, मैं बाहर मतलब मेरे बड़े बड़े शोज़ लगने जैसे बाहर हो गया ना, तो और मैं कहता हूँ कि जो हमारी जम्मू कश्मीर के जो सरकार हैं, है ना,
तो हम जैसे जितने भी आर्टिस्ट हैं, है ना, उनको सपोर्ट करो, और हमें सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, है ना। और मेरा सपना ये है कि मैं एक बड़ा आर्टिस्ट और बड़ा स्टार बनना चाहता हूँ इसी म्यूज़िक लाइन में। जी, हमारी शुभकामनाएं भी रहेंगी जमाल दीन आपको कि आप ज़िंदगी में जो चाहते हो, जो सपना आपने रखा हुआ है, आप उसको हासिल भी करें। अच्छा जमाल, लास्ट गाना आपसे सुनेंगे, वो आप जो भी आपको अच्छा लगे आप हमारे दर्शकों के लिए गा सकते हैं। आप दर्शकों के लिए, मैं सभी के लिए, सभी के लिए हम गाते हैं, सभी ऑडियंस के लिए। तो मैं अभी, मेरा एक लेटेस्ट गाना आया है तेरी दूरियां, जो मैंने खुद गाया हुआ है, लिखा भी मैंने ही है और म्यूज़िक अंकुश जी का है। और मैं उसकी दो लाइनें आपको सुनाऊंगा। ना ही सोचदा मैं माड़ा, ना ही करदा बुरा, हाय ओए तरोग इश्क दा, हुंदा चंद्रा बुरा, ओ ना ही सोचदा मैं माड़ा, ओ ना ही करदा बुरा, ए तरोग इश्क दा, हुंदा चंद्रा बुरा, तू क्यों पाया दूरियां, वे केड़ी दस मजबूरियां, तू क्यों पाया दूरियां, वे केड़ी दस मजबूरियां, हाँ कोई ता वजा दस ता जावे, हाय तेरे दूरियां ਮੈਥੋਂ ਜਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੇ ਹਾਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਜਮਾਲਦੀਨ, ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਅੱਜ ਆਪਸੇ ਬਾਤ ਕਰਕੇ ਵੀ। ਅੰਕੁਸ਼, ਆਪਸੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਂ ਨਾ ਜਿਸ ਫੀਲਡ ਕੋ ਹਮ ਚੁਣਤੇ ਹੈ ਇੱਕ ਹਮਾਰੇ ਆਈਡਲ ਰਹਤੇ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਈਡਲ ਬਤਾਇਆ, ਆਪਸੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਬ ਜੇ ਆਰਟਿਸਟ ਲਾਈਨ ਆਪਣੇ चुनी, जब आप सिंगिंग की तरफ आप आने लगे, तो एक आइडल रहते हैं, किन से आप इंस्पायर हुए और कौन आपके आइडल हैं, आइडल के बारे में बताइए, और उन्हीं का कुछ कोई गाना भी आपसे मैं सुनना चाहूँगा। सर, सिंगिंग लाइन की अगर बात करूँ मैं, तो सिंगिंग लाइन में मैं आइडल, मैं नाम लेना चाहूँगा जैसे कैलाश खैर सर, मैं उनको देख के काफ़ी इंस्पायर हुआ। नुसरत फ़तेह अली खान साहब, उनका मैं सुना, काफ़ी अच्छा लगा, उनको सुन के ऐसा लगा कि संगीत में कुछ है, जान है संगीत में। या ऐसे काफ़ी कलाकार, मैं सभी का नाम नहीं ले सकता अभी, काफ़ी लोगों को देख के मैं इंस्पायर हुआ हूँ जी। तो कोई भी, जैसे आपने बताया कैलाश जी का आपने नाम लिया, तो उनका आपने पहले भी ये गाना सुनाया, तो कोई और गाना भी उनके, उनका ही हम सुनना चाहेंगे, और हमारे दर्शकों को कुछ भी आप सुना सकते हैं, कोई भी जो आपको अच्छा लगे। कोशिश करूँगा सर जी। प्रीत की लत मोहे ऐसी लागी, हो गई मैं मतवारी, बल भल जाऊं अपने पिया का, हे मैं जाऊं वारी वारी, बे और लाचार फिरूं मैं, हारी मैं दिल हारी, हारी मैं दिल हारी, तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं, तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं, तेरी जान के सदके में कुछ ऐसा कर जाऊं, तूने क्या कर डाला, मर गई मैं मिट गई मैं, हो जी हाँ हाँ जी, हो गई मैं तेरी दीवानी दीवानी, तेरी दीवानी दीवानी, तूने क्या कर डाला, मर गई मैं मिट गई मैं, हो जी हाँ हाँ जी, हो गई मैं तेरी दीवानी दीवानी,
तेरी दीवानी दीवानी। धन्यवाद सर। अंकुश काफ़ी मज़ा आ रहा है आप दोनों के साथ, मेरा तो मन कर रहा है कि ऐसे ही गाने सुनते रहे हम, लेकिन वक्त आपके पास भी नहीं है थोड़ा तो। अच्छा जमाल आपसे एक सवाल लास्ट मेरा रहेगा और एक गाना भी आपसे सुनूंगा डोगरी, क्योंकि डोगरी अंकुश ने सुना दिया, आपने डोगरी गाना नहीं सुनाया तो आपसे डोगरी एक सुनूंगा जाते जाते। लेकिन एक आपसे सवाल ये रहेगा कि जो भी हमारी जम्मू कश्मीर का यूथ है जो इस लाइन में जा रहा है, जो आगे बढ़ना चाहता है, आप रियलिटी शो में होके भी आए हो तो एक एक्सपीरियंस भी आपको थोड़ा सा है, तो क्या एक मैसेज हमारे जम्मू कश्मीर के यूथ को रहेगा जो इस लाइन में आना चाहते हैं? जी मैं सर समझा नहीं। अच्छा यूथ के लिए बात कर रहे हैं सर। जो हमारे जम्मू कश्मीर का यूथ है और मैं जम्मू कश्मीर बल्कि जितने भी हमारे जो इंडिया के जितना भी है ना जो इस फील्ड में आना चाहता है ना, तो वो उसका एक होना चाहिए, एक गोल होना चाहिए कि मैंने इस टारगेट तक पहुंचना है और वो मेहनत करते रहे कंटिन्यू है ना उस चीज़ के पाने के लिए, उसमें एक मिशन बना लें कि मैंने वहाँ तक पहुँचा और हमारा भी एक मिशन है जैसे म्यूजिक लाइन में कि हमने इस चीज़ को हासिल करना और कर रहे हैं है ना, लोगों को भी अच्छे अच्छे अभी दो चार गाने हमने किए प्रेजेंट और भी करते रहेंगे, जैसे जैसे लोगों का सपोर्ट मिलेगा प्यार मिलेगा हम करते रहेंगे। तो मेरा ये कहना, मैं क्या कह सकता, मैं खुद स्ट्रगलर हूँ तो मैं ये कहना चाहूँगी जिस चीज़ को आप पाना चाहते हो और उसके पीछे लगे रहो और मेहनत करो उस चीज़ के लिए, तो एक ना एक दिन मंजिल आपके पास जरूर हो। जमाल जाते जाते एक डोगरी गाना हमारे दर्शकों के लिए। सर डोगरी मैं सुनाना चाहूँगा, माँ ये नहीं मेरी है शिमले दी राय चंबा कितने दूर है। दूर दराजे लाइया मुखबता दूर दराजे अखियां तो होया कसूर है, अखियां तो होया कसूर। माए नी मेरी शिमले दिराहे चंबा कितनी की दूर है, चंबा कितनी की दूर है वे रे शिमले नी बसना कसोली नी बसना, शिमले नी बसना कसोली नी बसना, चंबे जाना जरूर है, चंबे जाना जरूर। माए नी मेरी जम्मूवे दिरा है चंबा कितनी की दूर है, चंबा कितनी की दूर। थैंक यू। काफ़ी मज़ा आया आपके साथ अंकुश, आपके साथ भी काफ़ी मज़ा आया आप दोनों ने काफ़ी अच्छे अच्छे गाने भी सुनाए और हमारे दर्शक काफ़ी इंटरटेन भी हुए होंगे, काफ़ी मज़ा भी उनको आया होगा। तो हमेशा मैं कहता भी रहता हूँ कि हमारे जम्मू कश्मीर के जितना भी टैलेंट है, काफ़ी सारा टैलेंट है, टैलेंट की बिल्कुल भी कोई कमी नहीं है, और हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों की एक छोटी सी कमी रहती है कि जितने भी जो आर्टिस्ट हैं किसी भी फील्ड में कोई टैलेंट है तो उनको सपोर्ट नहीं किया जाता। तो आप हमारा जितना भी जम्मू कश्मीर में टैलेंट है उसको सपोर्ट कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारा टैलेंट जो है वो हर किसी के पास जो है वो पहुंच सके। और अंकुश जाते जाते एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आने वाला कोई आपका प्रोजेक्ट है जहाँ कोई गाना है, अगर उसके बारे में आप कुछ बताना चाहते हैं। जी सर, जो हमारी सर प्रोडक्शन से काफ़ी गाने आते रहते हैं, अगर जो हमारा यूट्यूब चैनल पे आते हैं अगर उस पर लोग अपडेट रहें तो उस पर काफ़ी गाने मिलते रहते हैं। तो नेक्स्ट सॉन्ग जो आएगा, मतलब कि जमालुद्दीन सर का भी हम करेंगे आगे जी, तो जी। मेरे भी आएंगे वैसे तो डोगरी, मेरे आएंगे तो डोगरी सॉन्ग आएंगे सर जी। तो मतलब डोगरी से आपको ज़्यादा प्यार है?
हाँ सर, अपनी भाषा है, मतलब बोलने में मज़ा आता है, मतलब कि कैमरे के पीछे तो हम डोगरी में ही बात करते हैं, तो वही है, मतलब कि अंदर से तो वही आवाज़ हमें आवाज़ देती है, तो वो ज़्यादा मज़ा आता है कि अपने शब्द हैं तो अपने लोगों को ज़्यादा। कोई यूथ को आप मैसेज देना चाहेंगे कि डोगरी के लिए, क्योंकि आजकल काफ़ी कम लोग डोगरी? सर अगर हाँ डोगरी कर सकते हैं, कहने का मतलब पंजाबी करो, डोगरी करो, हिंदी चाहे मलयालम करो, ठीक है। संगीत की जो वो है भाषा, वो तो कोई है नहीं है, संगीत तो एक फील है, ठीक है ना। तो मतलब कि बाकी गानों में होता गया कि शब्द होते हैं जो समझ आ जाएं अपने लोगों को, कुछ शब्द प्यारे होते हैं, तो वो अपनी भाषा के जरिए अगर हम सुनाए तो ज़्यादा मज़ा आता है, ज़्यादा मज़ा, ज़्यादा हाँ समझ। तो डोगरी में करना चाहिए मेरे ख्याल से। बिल्कुल, तो काफ़ी मज़ा आया आप दोनों से आए बात करके, हमारे दर्शक भी काफ़ी इंटरटेन होंगे। तो आज मैंने कोशिश की कि एक इंटरटेनिंग प्रोग्राम आप लोगों के लिए बनाया जाए, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी इंटरटेन आप लोग हुए होंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही, आप बने रहें इसी तरह से जेके डायरी के साथ। मैं रोहित डोगरा, जेके डायरी के लिए धन्यवाद, जय हिंद।